हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए हमारे लिए भी सब्ज़ी बन जाएगी। भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें मैंने एक चम्मच ना आमचूर का डाला है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं भिंडी की सब्ज़ी अगर ऐसे बना लेना। हम इसमें मैं आधा नींबू भी डालूंगी, लेकिन उस थोड़ी देर बाद डालूंगी। इससे क्या होगा, जो लेसलापन होता है ना, इसका वो सब चला जाता है। और साथ में यहाँ पर मैंने ड्रिंक बनने के लिए रखी है, इसमें मैंने जीरा, मेथी दाना और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। विर्थ लूज के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है, 2 गिलास करीब बन जाएंगे। 1 गिलास मैं अभी पी लूँगी और 1 गिलास ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले पी लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली है हस्बैंड के लिए, टिफ़िन के लिए, और एक को खा कर जाएंगे। साथ में चाय भी रखी है बनने के लिए। हस्बैंड जा चुके हैं यहाँ पर, देखिए तो मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, सुखाने के लिए डाल दिए हैं। आज मौसम देखिए कैसा हो रखा है, कुछ पता नहीं चलता कब बारिश हो जाती है, कब धूप निकल आती है ना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो गया है। और प्लांट्स लेकिन बहुत हरे भरे हो रखे हैं। देखिए ये वाली वेल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खिलती है, बहुत ज़्यादा, तो मेरे घर पर तो बहुत जगह पर लगी हुई है ये वाली। और ये वाली भी अभी सब ठीक करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 20-25 दिन से ना बिल्कुल भी हमने टिक कर नहीं देखा घर पर। बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज आपके साथ शेयर करूँगी, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या बताएं, बहुत ही मुश्किल है। और साथ में यहाँ पर मैंने और भी मशीन लगा कर रखी है। आज काफ़ी कपड़े हैं और घर पर हैं, सब वॉश करेंगे। सब कुछ करने के बाद, नहाने के बाद पाठ पूजा मैंने कर ली है। अभी बेटे को उठाया है, 9 बज चुके हैं, जो उसको उठाया है मैं यहाँ पर ना, रात को ही ना बादाम को भिगो कर रखा हुआ था, उसको दूंगी। थोड़ा सा उसको ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके वेट बहुत ज़्यादा गया है, 16 kg उसने वेट लूज़ कर लिया है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। एक एक दिन में 2-2, 3-3 kg उसका वेट गया है शुगर के कारण। जब हमें पता नहीं था ना तब गया है, जब से मेडिसिन स्टार्ट हो गई तब से वेट रुक गया है, एक जगह पर रुक गया है अभी। तभी देखिए अपनी शुगर चेक कर रहा है, सुबह फास्टिंग की उठने के बाद देखते हैं कितनी आती है। आज बहुत ही ज़्यादा आ रही है, आज आई है 381। देखिए रात को 527 आई थी और उससे पहले 441। ऐसे ही रहती है इसकी सीरी, बहुत ज़्यादा रहती है, 571 473, लेकिन आज थोड़ी सी 381 आई है, थोड़ा सा, लेकिन 400 ही मान सकते हैं हम इसको। इंसुलिन लगती है इसको, उसके पहले वह भी वॉशरूम में गया है फ्रेश होने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बेडशीट चेंज कर देती हूँ और सब यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सारा दिन उसको बहुत नींद आती है, थकावट रहती है, लेग्स पेन होती है, तो इसलिए बेड पर ज़्यादा रहता है, तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मैंने बेडशीट यहाँ पर चेंज कर दिया और इसके ऊपर ना ये वाला बिछा दिया है ब्लैंकेट, हल्का वाला जो होता है ना, एसी वाला। इससे क्या होता है, जब लेटता है ना अपनी लेग्स के ऊपर ले लेता है, उसकी लेग्स पेन होती है ना बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और ये वाला एसी वाला मैंने यहाँ पर रख दिया डोर, क्योंकि बेटा घर पर है, उसको थकावट बहुत होती है ना, नींद बहुत आती है शुगर के कारण, तो फिर वो ले लेता है। वैसे भी बेड पर अच्छा लगता है ना, इसे बिछाने से बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है, तो रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और इधर भी मैंने सब इकट्ठे कर दिए सब कुछ, और मेरी पाठ पूजा भी हो चुकी है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैंने बेटी को इंजेक्शन लगा दिया, उसकी शुगर चेक हो चुकी है, तो अभी बस उसको इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन लगाने के 15 मिनट बाद उसे ब्रेकफास्ट देना होता है, तो अभी 5 मिनट हुए हैं, अभी 10 मिनट में उसका मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी, फिर उसको देते हैं। और रूम अच्छे से देखिए क्लीन हो चुका है, और यहाँ पर भी देखिए अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, ब्लैंकेट में जो धूप में डालने जाना ऊपर, और यहाँ पर भी मैंने बेडशीट चेंज की हुई है, और यहाँ पर मैट भी बिछा रखा है ये वाला, और ये प्लांटर यहाँ पर रख दिया है, और मनी प्लांट इसमें मैंने लगा दिया है परमानेंट, इसको लगा कर रखा हुआ है। और यहाँ पर सब ऐसे ही क्लीन रहता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा जाता है काफ़ी। फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बस मुझे ब्लैंकेट धूप में डालने जाना है, ब्लैंकेट को डालूंगी। और दूध भी आ चुका है, दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ बेटी के लिए, उसको जल्दी देना होता है। उसके लिए देखिए मल्टीग्रेन आटा मैंने शुरू किया है, मल्टीग्रेन आटा खुद मिलाकर लेकर रही हूँ, बाजरा, रागी और इसमें बेसन, चने होते हैं ना चने का ज़्यादा आटा डाल रखा है इसमें, और थोड़ा सा कनक का डाला है।
अपने ये फ्रेंड्स मैंने रोटी डाल ली है भिंडी की सब्जी, साथ में सैलड लिया है बीटरूट और साथ में एक रोटी ली है मल्टीग्रेन वाली, एक ही खाऊंगी। मत बहुत मन नहीं कर रहा है खाने को, जिसको 32 बार यू कर कर खाती हूँ। अभी तो इतने दिनों से कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, अभी देखती हूँ और कब कर पाऊँगी। और यहाँ पर बैठ कर मैं खाती हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ से मैंने कर दी है क्लीनिंग, डस्टिंग रहती है। कूलर को ऐसे रैप करके ना बिल्कुल रख दिया है, इसके ऊपर और कोई कपड़ा डाल दूँगी ना बिल्कुल बहुत अच्छा सा एक टेबल जैसा लगेगा। और यहाँ से सब क्लीनिंग की है, इस अलमारी को नीचे से साफ किया है। और इधर भी अभी सभी रहते हैं, सभी पहले कपड़े उतारती हूँ वॉश करने वाले हैं। पर्दे साइड पर कर दिए हैं कि थोड़ी धूप आएगी अंदर की तरफ तो अच्छा लगेगा ना, पॉजिटिविटी आती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी आ चुकी हूँ ड्राइंग रूम में। यहाँ पर देखिए सब कर्टन साइड पर कर रही हूँ और गेट भी मैंने ओपन कर दिया है। बारिश के कारण मॉइस्चराइज हो रखा था, जिसके कारण थोड़ी सी स्मेल आ रही है इस रूम में, क्योंकि इसका ना गेट ज़्यादातर बंद रहता है, बाहर की तरफ है। अगर बेडरूम में बैठे हो ना तो पता नहीं चलता इसमें कोई आ ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा बंद रखना पड़ता है। और हम भी घर पर नहीं थे फ्रेंड्स, देखिए आपको पता ही है बेटा ठीक नहीं था हमारा, तो रोज़ हॉस्पिटल जाना हो रहा था। अभी कल से थोड़ा सा हमें राहत मिली है, 500 से थोड़ी सी कम, रात को भी 570 कितनी थी, लेकिन क्या है अभी आज थोड़ा सा घर पर रहना है, डॉक्टर के बात हो रखी है। नहीं तो रोज़ टेस्ट होते थे, फुल बॉडी उसके टेस्ट हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं आया टेस्ट में, ओनली शुगर ही इतनी ज़्यादा हाई आ रही है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रही। इंसुलिन लग रहे हैं, डॉक्टर के पास जा जा कर ड्रिप में भी लगाए हमने, हॉस्पिटल में ही रहे हैं। सोच ही नहीं सकते कि ऐसा होगा कभी, पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बच्चे को कुछ भी हल्की सी प्रॉब्लम हो जाए तो ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सब कुशन कवर उतार लेती हूँ और फिर वॉश करने के लिए डाल दूँगी मशीन में। कल इस रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो आज मैं इसके कपड़े सब धो लेती हूँ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, कैसे हो आप सब, आई होप यू आर वेल। आज का व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने नहा लिया है और सहज यहाँ पर बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है अपनी। तो क्योंकि शुगर आज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, 400 थी मॉर्निंग में, फास्टिंग में ही शुगर ही नहीं कम हो रही। तो पिछले 15 डेज से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि घर पर ही नहीं टिक पा रहे थे, हॉस्पिटल जाना आना इतना ज़्यादा, 593 तक इसकी शुगर गई है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई थी फ्रेंड्स। और बहुत टेंशन भी बहुत है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा और उसके एग्ज़ाम थे जो हाफ ईयर के एग्ज़ाम होते ना, वो भी सब मिस हो चुके हैं। तो अभी हमने सब काम कर लिया सुबह का। आज मैंने बड़े दिनों के बाद ना व्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसे कितनी अचानक से, कुछ सोचा भी नहीं था कहाँ से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एकदम से इसका वेट कम होने लगा, एक दिन में ही ना 2-3 kg वेट जा रहा था और बहुत सो रहा था, सुस्त था बहुत। तो हमने सोचा चलो क्यों ना इसके टेस्ट करवा लिए जाएं, तो टेस्ट करवाने गए तो वहाँ से ही हमें पता चला कि इसको इतनी ज़्यादा शुगर है, 300 इसकी फास्टिंग आई थी उस दिन, सबसे कम आई थी 300, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा आने लगी, 400+500, इसकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई। 6 सितंबर से बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, आज व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और घर भी सारा बिखर गया है, सब क्लीनिंग शुरू की हुई है मैंने, यहाँ पर थोड़ी क्लीनिंग की सुबह और थोड़ी लिविंग रूम में की, और ड्राइंग रूम के सब कपड़े वगैरह मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। आज नहीं होगी तो कल कर दूंगी, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मॉइस्चराइज का मौसम रहा है बारिश के कारण, बहुत अजीब सी स्मेल भर गई है घर के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा कर साफ़ कर लेती हूँ। तो आज अभी घर पर हैं, अभी डॉक्टर ने हमें 5 या 6 डे की वो मेडिसिन दी है वॉश करने के लिए, और इसको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लग रहे हैं, वो सब लग रहे हैं। तो बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा और इतनी सी एज में, अभी 13 ईयर का है, तो और इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, बहुत ही टेंशन है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, जब मूड ठीक ना हो तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता व्लॉग बनाने के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ हमेशा क्यों कुछ बुराई क्यों शेयर करें, कुछ अच्छा ही शेयर करेंगे, लेकिन क्या है आप सब फैमिली हो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करना भी तो बनता है। तो मैंने सोचा कि छोटी सी एक वीडियो बनाकर आपके साथ अपडेट देती हूँ, थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी अभी थोड़ी सी ये है कि जैसे 500+ आ रही थी, अभी
500 से थोड़ी सी कम हुई है, 400 आ रही है, 400 की लाइन पर आ रही है। तो इसलिए आज थोड़ा सा हम लोग घर पर हैं, व्लॉग बना रही हूँ मैं, आज थोड़ा सा शूट कर रही हूँ जहाँ जहाँ से मुझे मिल रहा है मौका। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश जर्नी मेरी इसी तरह कंटिन्यू है, जितनी मेरे से हो पाई मैंने ऐसे ही कंटिन्यू रखा, अपना खान पीन का बिल्कुल ध्यान रखा, जब भी मौका मिला थोड़ी एक्सरसाइज भी की है, नहीं एक्सरसाइज की तो वॉक की हो, क्योंकि इसको वॉक करने के लिए लेकर जाते हैं हम लोग दो टाइम के लिए, तो उसके साथ मैं अभी वॉक कर लेती हूँ। तो लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाई आज से, कोशिश करूँगी कि आपके साथ व्लॉग शेयर करा करूँ जितने भी हो पाए, और साथ में हेल्थी टिप्स। देखिए हमने मल्टीग्रेन आटा ही सबने खाना स्टार्ट कर दिया है, एक तो ब्रिटिश उसके लिए बहुत अच्छा है, और डायबिटीज हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हमें वीट थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा इसी तरह। अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, अभी ब्रेक टाइम है, थोड़ा और काम कर लेते हैं, और सहज के हेयर भी बना देती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। इसी तरह बने रहिएगा आप मेरी वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी अभी तक फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अभी थोड़ी देर लंच में फ्रेंड्स। आज मैंने माँ राजमा की दाल बनाई है, और उसका तड़का देखिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर सैलड भी मैंने खूब सारा कट कर रख लिया है, बेटे को खूब सारा सैलड दूंगी, और रोटी उसको बहुत ज़्यादा नहीं देनी होती, एक देती होती है या हाफ और दे देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसको खिलाने के बाद अपने लिए भी एक रोटी बनाई और दाल भी ली है साथ में मैंने, और सैलड लिया है खूब सारा, और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी भी ली है सुबह की बची हुई थी। तो ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी, जो मल्टीग्रेन की रोटी होती है ना जैसे बाजरे वगैरह की, सूखी खाई नहीं जाती, थोड़ा सा घी लगाना टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर बन रही है मेरी ग्रीन टी। ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने सौंफ डाल दी है, इसको अच्छे से बॉयल करने के बाद ही इसमें मैं ग्रीन टी ऐड करूँगी, और फिर गैस के फ्लेवर को बंद कर दूँगी और ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के बाद, इसको छान कर फिर पी लूँगी। तो इवनिंग की मेरी ये है ग्रीन टी, मैं चाय नहीं लेती, ग्रीन टी लेती हूँ। अभी इतनी आदत बन गई है ना, ग्रीन टी ही टेस्टी लगती है, और लिप्टन की मैं लूज़ वाली भी ले लेती हूँ, और मैं पाउस वाली भी ले लेती हूँ। आपको जो अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, वो ले सकते हो। सौंफ मैं इसलिए ऐड करती हूँ, इससे देखिए हमें बहुत बेनिफिट होता है, सौंफ ड्रिंक पीने से बहुत बेनिफिट होता है वेट लूज में, तो इसलिए मैं सौंफ ड्रिंक यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर सौंफ ऐड करते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं सौंफ ऐड करती हूँ। तो चलो अभी मैं अपनी ग्रीन टी बना लेती हूँ।